को नौ पीड़ितों का शव देर रात पहुंचा गांव, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। सरकार ने फास्ट ट्रैक पर सुनवाई के दिए निर्देश, पीड़ित परिवार को दिए गए 25 लाख रुपए व पीएम आवास। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा केंद्र और राज्य सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के दिए निर्देश, नाबालिग और दुष्कर्मों से जुड़े मामलों की 2 महीने में हो सुनवाई। दिल्ली के अनाज मंडी के निकट एक मकान में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या पहुंची 30 के पार, 20 से अधिक घायलों का किया जा रहा है इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की धरती की महिलाएं दुग्ध उत्पादन में बने स्वावलंबी। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर, समाचार विस्तार से। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में हुई बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद जलाने की घटना में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गांव के दो लड़कों ने लड़की के साथ दुराचार किया था, जिसकी घटना को लेकर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वो दर दर भटकती रही। पुलिस से न्याय न मिलने के बाद बेटी ने रायबरेली कोर्ट के माध्यम से दुराचार का मामला लालगंज कोतवाली में दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपियों को जेल भेजा गया था, जहां से उन्हें कुछ समय बाद ही जमानत मिल गई थी। जमानत पर छूटने के बाद केस की पैरवी के लिए जा रही बेटी को अभियुक्त तथा कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें उसने 5 लोगों को नामित किया था। सभी लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली थी, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बेटी की गंभीर हालत देखते हुए राज्य सरकार ने एयरलिफ्ट कराकर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा, जहां उसने अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम के बाद बेटी का शव देर रात उन्नाव उसके गांव पहुंच गया, जहां उसका दाह संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गृह विभाग को मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए निर्देशित किया है, जिससे अपराधियों को कम समय में कड़ी सजा दिलाई जा सके। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उन्नाव जनपद की प्रभारी मंत्री कमल रानी वरुण ने गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर 25 लाख का चेक प्रदान किया तथा परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा की। इस मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना पर दुख जताते हुए कठोर कार्रवाई की बात कही है। जो घटना के अपराधी हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस उपयोग करके या अन्य भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, बस सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इन अपराधियों को जो दंड दिलाना है कानून सम्मत, वह दंड दिलाने का काम होगा। और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, वह जरूरी कदम उठाए गए हैं और भी समीक्षा करके और भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। देश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, एयरलिफ्टिंग करवा उसको प्लेन से सीधे सीधे जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है सफदरजंग वहां पर भेजने का काम किया। इत्तेफाक से चूंकि मौत हम लोगों के बस में नहीं है, उस बेटी की मौत हुई, इसलिए हमारी सरकार इस संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना को लेकर के इस पीड़ित परिवार के साथ आई है। और साथ ही साथ अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, वो हो अपराधी अपराधी होता है, यदि कोई अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा तो वो भी कानून के गिरफ्त में आएगा। सभी जिलों में समाजवादी पार्टी कल शोक सभा करेगी और उन्नाव जाने का, उन्नाव की सभा का हम समाजवादी पार्टी के लोग बैठ करके तय करेंगे। सोचो कभी, और मैं तो उनसे कहूंगा जो परिवार वाले लोग हैं जिनके घर में बेटियां होंगी, उनका दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते।
प्रदेश में अपराधी का उसके दिल में कोई भय नहीं। एक साल यहाँ आके घर आके इनके पिताजी अंदर घुसकर इनके पिताजी को पीट सकते हैं, बच्चों को धमका सकते हैं, इनके खेत जला सकते हैं, महिलाओं को धमका सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसे हादसे होते हैं और इस तरह के अपराध करते हैं भाई, ऑब्वियसली उनके दिल में कोई भय नहीं। कल इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने अपने अपने तरीके से घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और कानून व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल अपने सारे कार्यक्रमों को निरस्त कर उन्नाव में मृतक बेटी के परिवार से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने परिवार का हालचाल लिया तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा न कर पाने का आरोप भी लगाया। भाजपा कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया। बसपा प्रमुख मायावती ने उन्नाव मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था को बेहतर करने और जरूरी हस्तक्षेप करने की मांग की, जिससे इस तरह की घटनाएं रुकें और प्रदेश में एक अच्छा माहौल बने। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव किया था, जिसमें से 160 अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं। बहनों के साथ जो हो रहा है उसके कारण गुस्सा है और हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसको इस गुस्से को समझना पड़ेगा और त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए भारत सरकार ने महिलाओं में बलात्कार पॉस्को कांड के मामलों में बच्चों के साथ जो होता है तो 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना प्रस्तावित की है राज्य सरकारों के साथ। इसमें लगभग 400 पर सहमति बन गई है और 160 से अधिक ऑपरेशनल भी हो गया है, बाकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा पूर्व से 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से नाबालिगों से जुड़े दुष्कर्म मामलों में 2 महीनों के भीतर जांच को खत्म करने को लेकर पत्र लिखेंगे कि ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक चले, कालबद्ध समय में निर्णय करें, इसका समय समय पर प्रभावी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और कानून में हमने ये बदलाव किया है कि जहां बच्चों पर बलात्कार पर आपको फांसी मिलेगी तो इसका इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा होना चाहिए। तो मैं सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि इस बात की विशेष चिंता की जाए कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो। और आज मैंने वहां अपील की है, मैं सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने जा रहा हूं, जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले हैं वो तेजी से निपटारा हो। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी स्थित एक मकान में लगी भीषण आग में अब तक 30 से अधिक लोगों की मृत्यु की सूचना है। वहीं 20 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की 30 गाड़ियों को लगाना पड़ा। सुबह 5 बजे के आसपास आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली थी। मरने वाले अधिकतर लोग यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। धुएं से दम घुटने के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। डॉक्टरों की टीम गंभीर घायल लोगों के इलाज में लगी हुई है। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित डेयरी वैल्यू चेन परियोजना के शुभारंभ के दौरान
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चला रही है, जिसका फायदा उठाकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जिन्होंने महिला होने के बाद पूरी दुनिया में अपने गौरव का झंडा बुलंद किया है। यदि यहाँ दूध डेयरी प्रगति करेगी तो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी महिलाओं को ट्रैक्टर, नगद धनराशि, चेक और सिलाई मशीनें प्रदान की। मैं रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इस भावन भूमि पर प्रोविजनल कंपनी के उद्घाटन कार्यक्रम पर आप सब का हृदय से निमंत्रण करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं के लिए समूह बनाकर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सके, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन इस कार्यक्रम को आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई है। एक बहुत बड़ा कार्य है, न केवल महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में, अब तो बापू के ग्राम स्वराज की और स्वावलंबन की अवधारणा को साकार करने में भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि इस प्रकार के अभिनव कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि उनका एक मिशन के साथ जुड़ना, उनके द्वारा गठित होने वाले स्वयं समूह के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूती प्रदान करना न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि शोषण से मुक्त एक आदर्श व्यवस्था देने में भी इसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। प्रदेश में कानपुर में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाईकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी सीखें, तकनीकी प्रशिक्षण के साथ परिवार, देश, प्रदेश और व्यक्ति के लिए निष्ठापूर्वक काम करने का भाव भी रखें, जिससे सुखी जीवन, सुखी परिवार और सुखी समाज का निर्माण हो सके। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को जानना और आचरण में उतारना परम आवश्यक है। मोबाइल के उपयोग पर उन्होंने परिवार के लोगों को आगाह किया कि बच्चों के हाथ में मोबाइल का कैसा उपयोग हो रहा है, इस पर ध्यान अवश्य दें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए तकनीकी शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा राधा चौहान, कुलपति HBTU नरेंद्र बहादुर सिंह उपस्थित थे। परंतु पर्याप्त नहीं, स्वयं को सुखी और सच्चे अर्थों में संपन्न बनाने के लिए आपको सभी जीवन मूल्यों तथा अपने स्वभाव को ठीक से समझना होगा, तभी आप सुखी जीवन, सुखी परिवार तथा सुखी समाज का निर्माण कर सकोगे। स्मरण रखें, आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के उच्च आदर्श को पाना है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना जीवन ऐसा बनाना है जो संपूर्ण संपन्नता का उदाहरण प्रस्तुत
फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर के ग्राम सभा महोत्सव में बच्चों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। उन्होंने मैनपुरी गांव में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 2,90,00,000 रुपए से निर्मित शवदाह गृह तथा सिठौरा गांव के सामुदायिक मिलन केंद्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने शवदाह गृह में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गाँव में स्वच्छता रखी जाए जिससे लोगों को बीमारी आदि का खतरा न रहे। अपने संसाधनों से विद्यालय ने दिखा दिया है कि हम काम करने पर उतारू हो जाएं तो अपने संसाधनों से उसी जगह पर हम अच्छा वातावरण बना करके और विद्यालय का माहौल चेंज करके, और आप देख रहे हैं कि विद्यालय में सुंदर से टाइल्स लगे हैं, रहने की व्यवस्था, बच्चों के शौच जाने की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, आप देख रहे हैं क्यारियाँ लगी हैं, जगह है जहाँ से व्यक्ति की मानसिकता को परिवर्तन किया जा सके। एक सरकार का है कि गंगा शुद्ध हो, नदियाँ शुद्ध रहें और कम लागत में थोड़ी लकड़ी में पूरा उसका संस्कार हो जाना। मैं समझती हूँ कि इस एरिया में तो कहीं नहीं मैंने इतना सुंदर घाट देखा, और मैंने आज वहाँ के लोगों के लिए समर्पित किया है। यह बरातशाला है, जिस बरातशाला को भी गांव के लिए आज समर्पित कर रही हूँ, जो एक पूरे समाज के लिए, कोई भी किसी की भी बारात आएगी, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए। और गांव में बरातें रुकने की दिक्कत होती थी, तो ये आज गाँव वालों के लिए मैं समर्पित कर रही हूँ। बस मेरा आग्रह है कि इसका स्वच्छता और गांव के लोगों की जिम्मेदारी। स्वेटर वितरण कार्यक्रम है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन, और हमारे गांव में हमने पहली बार शुरू किया ग्राम सभा महोत्सव, जिसमें हमारे बच्चों ने भी तरह तरह के अपने हुनर के अनुसार स्टॉल लगाए हैं, और साथ ही गांव की महिलाओं ने स्टॉल लगाए हैं जिन्होंने यहां पे विद्यालय में जिनको हमने सिखाया था कि सिलाई बुनाई कढ़ाई अचार चटनी पापड़, सबने अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपनी एक्टिविटी दिखाई है, और आज इस मुहिम की शुरुआत हुई है। अगले वर्ष और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, साथ में जो महिलाएं समूह से जुड़ी हैं उन्होंने भी अपना हुनर दिखाया है। लखनऊ में कल देर शाम सिद्धार्थ समता संघर्ष सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संविधान के निर्माता समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया गया। कार्यक्रम में आए वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। वे दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत करते रहे। संस्था के महासचिव सुरेश चंद्र ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक छुआछूत और जातिवाद के खात्मे के लिए काफी आंदोलन किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि दलित समाज शिक्षित, संगठित और संघर्ष करके ही आगे बढ़ सकता है। पूरे समाज के नारी वर्ग के लिए, वो वर्ग चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो या जनरल हो, उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार जो प्रदान किए हैं वो हमेशा स्मरणीय रहेंगे। आज तक ऐसा कोई भी लीडर हमारे देश में पैदा नहीं हुआ जिसने महिलाओं की इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया हो। मात्र बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने का हक दिया, उनको सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बल प्रदान किया। आज बाबा साहब की ही देन है जो हमारी महिलाएं चपरासी से लेकर और आईएएस आईपीएस तक और एक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर भारत सरकार के राज्य मंत्री ने कल शाम गंगा आरती कर देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयाग की धरती पर गंगा आरती करने का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का आयोजन किया जो देश ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हर दिन गंगा आरती होती है और बहुत ही सराहनीय है। प्रयागराज के इस संगम में अपने आप को
बहुत धन्य मानता हूँ। परिवार आज पूरे परिवार सहित इस महाआरती में मैं शामिल हुआ और इस महाआरती में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं का और विशेषकर इस हर हर गंगा समिति महासमिति के सारे मित्रों को भी मैं बधाई देता हूं कि एक 20 वर्षों की इस परंपरा को स्थापित बनाए हुए हैं और ये परंपरा हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़े। इसमें जितना भी श्रद्धालु जनों का सहयोग और इस महाआरती में शामिल होते हैं वो अपने आप इस माँ गंगा की गोद में इस संगम में वो अपने आप अनुप्राप्त करते हैं और इसलिए मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे अवसर में मेरा आना हुआ है। मैं बहुत बहुत इस हर हर गंगा महाआरती समिति को भी। महिलाओं के उत्थान के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना बाराबंकी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। सिविल लाइन्स निवासी प्रिया माथुर ने परिवार की आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने और बच्चों की शिक्षा के लिए स्टैंड अप इंडिया से लोन लेकर पुस्तक और खिलौनों का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अन्य लोगों को भी काम दिया। उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। दूसरी महिलाओं को भी इस तरीके के व्यवसाय के लिए वह प्रेरित कर रही हैं। मेरे हस्बैंड एक फैक्ट्री में काम करते हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हमने प्रधानमंत्री की स्टैंड अप योजना जो चली है उसके तहत हमने विजया बैंक से लोन लिया और एक शॉप खोली यूनिवर्सल बुक्स एंड टॉयज़ की। उसमें 8-10 बेरोज़गार बच्चों को जॉब पे रखा और वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम ऐसी महिलाएं थीं जो बेरोज़गार थीं और उनको ये प्रधानमंत्री की योजना के तहत उनको भी ऋण उन्होंने लिया और वो भी स्वावलंबी बनी। तो हमारा देश इसी तरह आगे भी प्रगति करता रहेगा। इस तरह की योजनाएं आती रहेंगी तो हम सब औरतों को महिलाओं को बेरोज़गारी से अंकित है। और मैं जो है मैम कई दिनों से बेरोज़गार घूम रहा था तो मैम जो है शोरूम खुला था तो जब शोरूम खुला तो मैं जो यहाँ आया मैम से बात करें काम के लिए तो उन्होंने मुझे रख लिया और हम 7-8 लोग हैं जो फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। और आज तक जो है अपने घर फ्री घूम रहा था और कुछ दिन करीब 1.5 साल पहले हमारी मैम मिस्टर प्रिया माथुर जी ने एक यूनिवर्सल बुक एंड टॉयस शॉप खोली जहाँ पे हमको जॉब मिली है जे मैनेजर के रूप में और वहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है और हमारे साथ साथ करीब 7-8 लोग। ये स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश हैं कि हर एक बैंक की शाखाएं 2 लोगों को प्रतिवर्ष लोन देंगी। इसमें से एक SC/ST कैंडिडेट हो सकता है और दूसरी महिला होती है। इसमें इस वित्तीय वर्ष में अभी तक लगभग 30 लोगों को इसके अंतर्गत बैंकों ने ऋण दिए हैं। इसमें से एक अगर सफलतम कहानियों में बात करें तो एक विजया बैंक ने एक प्रिया माथुर नाम की महिला है जिनको बुक स्टोर खोलने के लिए लोन दिया है। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास में एक बुक स्टोर खोला जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। पहले उनका परिवार कुछ स्कूल के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से निरंतर हम लोग तरह तरह की मीटिंग में जिला स्तरीय समिति के बैठकों में इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि और से और अधिक से अधिक लोग इस तरीके की। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों पर भले ही तमाम सवाल उठाए जाते हों पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शिक्षा और स्कूल की तस्वीर बदल दी है। संत कबीर नगर के प्राथमिक विद्यालय मझरिया की अध्यापिका अनिता सिंह ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक ट्रेन का मॉडल बनाया है। इसके लिए उन्होंने किसी सरकारी बजट का इस्तेमाल नहीं किया। विभाग से अनुमति लेने के बाद ट्रेन के मॉडल को इंटरनेट पर खोजकर विद्यालय में बनाया। इस ट्रेन का नाम स्वच्छ भारत एक्सप्रेस रखा गया। विद्यालय में वॉल पेंटिंग कराई जिसमें अंतरिक्ष के चित्रों को साझा किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। अनिता सिंह ने अपनी बेटी का और स्टाफ के बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में कराया जिसमें मिड डे मील और शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बेहतर हुई है। लोग दूर दूर से इस विद्यालय में स्वच्छ भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मॉडल देखने के लिए आते हैं। बच्चे भी इसको देखकर काफी खुश होते हैं।
लखनऊ में मध्य यूपी सब एरिया के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रातः प्लॉगिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को एक मिनी मैराथन के साथ आरंभ किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के सैन्य कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोमनाथ द्वार से शुरू हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मेजर जनरल प्रवेश पुरी द्वारा की गई। मार्गों पर चलित कूड़ेदान वाहन भी साथ में थे, जिसमें मार्गों से कूड़ा चुनकर कूड़ेदान में डाला गया। अयोध्या में स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में 60 बोरा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। प्लॉगिंग अभियान के तहत मिलिट्री अस्पताल और छावनी क्षेत्र के कमांड ऑफिसर ने लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर सड़क किनारे पड़े हुए कचरे को उठाकर डस्टबिन या डंपिंग यार्ड में पहुंचाया गया और प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण तथा जानवरों को नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जनपद फतेहपुर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फतेहपुर में एनसीसी कैडेट ने एक अभियान की शुरुआत की। प्रयागराज की 60वीं एनसीसी की यूपी बटालियन ने प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए सफाई अभियान के साथ लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमें प्लास्टिक से बचने की जरूरत है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। हम स्वस्थ समाज बनाने के लिए साफ सुथरा माहौल बनाएं, जिसमें गंदगी का नामो निशान न हो। प्लास्टिक से रक्षा, प्लास्टिक से रक्षा, प्लास्टिक से रक्षा, प्लास्टिक से रक्षा, प्लास्टिक से रक्षा। एक कार्यक्रम जो हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके उसे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उससे कैसे क्लीनिंग करें, कैसे इसको अवॉइड करें, सबके बारे में जागरूकता अभियान है, जिसके तहत तीन टीमें बनाई गई हैं जो शहर के डिफरेंट तीन रूट्स पर जाएंगे गैजेट्स की। और जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, सीतापुर में महानिदेशक एनसीसी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों का पालन करते हुए 22वीं यूपी बटालियन द्वारा सीतापुर में स्वच्छता और प्लास्टिक से लोगों को निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम चला रही है। शहीद स्मारक लालबाग समेत कई स्थानों पर प्लास्टिक समेत अन्य प्रदूषण फैलाने वाली सामग्रियों को फैलाया गया। इन कैडेटों को राजकीय इंटर कॉलेज से झंडे दिखाकर रवाना किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। बरेली में सेना के जवानों ने स्कूली बच्चों और आमजन के साथ मिलकर उत्तर भारत एरिया कैंटोनमेंट में स्वच्छता अभियान चलाया, जहां उन्होंने आसपास के क्षेत्र में पड़े सिंगल यूज प्लास्टिक को बीन कर लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जॉगिंग के दौरान किए गए स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर सेना द्वारा जॉगिंग के समय स्वच्छता ड्राइव चलाकर सफाई की गई और लोगों से कपड़े के थैले प्रयोग करने की अपील की गई। ताज नगरी आगरा में सीवरेज की समस्या का समाधान होने जा रहा है। 1174 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली इस परियोजना से यमुना नदी में जा रहे सीवरेज से मुक्ति मिलेगी। जल्दी ही सीवरेज सिस्टम को सही करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। इस समस्या को लेकर आगरावासी लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अवर सचिव केएल आहूजा ने नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एवं कॉमर्स के अध्यक्ष किशन गोयल को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। बड़ी समस्या के समाधान होने से लोगों को राहत मिलेगी। आजमगढ़ में लोक कला व संस्कृति को बढ़ावा देने और साझी संस्कृति कोई विरासत को महोत्सव का आयोजन किया गया। निजामाबाद और मेहनगर तहसील में हुए महोत्सव का शुभारंभ पद्मश्री प्रभाव रंग में किया। वहीं निजामाबाद तहसील महोत्सव का उद्घाटन मंडल आयुक्त करक त्रिपाठी व जिलाधिकारी एनपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। दो तहसील में आयोजित इस महोत्सव में लोक कला की झांकी भी निकाली गई। महोत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। स्कूली बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता, रंगोली, पेंटिंग व मेहंदी प्रतियोगिता के स्टॉल लगाए। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि तहसील स्तर पर महोत्सव कराने का मुख्य उद्देश्य यहां के बच्चे और लोगों को लोक कला और संस्कृति की स्थानीय जानकारी देने के साथ ही स्थानीय कलाकारों को एक बेहतर मंच देना है।
जनगणना 2021 के राष्ट्रीय जनसंख्या के कार्य के लिए लखनऊ में 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के 29 जिलों से आए हुए 95 मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। प्रशिक्षण का तीसरा एवं अंतिम चरण आगामी 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के शेष 18 जनपदों के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के आखिरी दिन मास्टर ट्रेनर्स के लिए व्यावहारिक ज्ञान हेतु फील्ड विजिट के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके लिए सभी मास्टर ट्रेनर्स को 5-5 के बैच के कुल 23 वाहनों से विभिन्न स्थानों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उन्हें निर्देशित किया गया कि कम से कम 10-10 मकानों की मकान सूची की गणना की जानकारी को पेपर एवं मोबाइल ऐप पर भरे जाएं। मथुरा में नागरिक सुरक्षा संगठन 57वीं स्थापना दिवस सुरक्षा कोर द्वारा जैन इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें बहुमंजिला इमारतों में घायल उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालना, उन्हें समय से उपचार प्रदान करना एवं डीजल पेट्रोल व बम ब्लास्टर से लगी हुई आग को बुझाने की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल में भीड़ भरे बाजार में बम विस्फोट का प्रदर्शन, सायरन बजाकर लोगों को सतर्क करना, आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक ले जाना, आग बुझाना, आग से जले लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना, कंबल तथा रेत से आग बुझाने का प्रदर्शन आदि किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।